क्या कह रहे थे आप? वो धूप वहां पे खेनी चाहिए, नहीं तो अधूरी रहेगी। है, धूप धुपाने में डालो, नहीं तो अधूरी रहेगी। या दीपक जलाओ तो ही पूजा पूरी होगी। अगर ऐसी बात करते हो ना, तो फिर तो आप सब चीजें रखो, फिर आप फूल भी ले आओ, फिर वो लाड़ू बर्फी गिंदोड़ा वो सब लेकर के आओ, जितने भी पूजा में नाम आते हैं वो सब लेके आओ। शीरो दधी का पानी लाओ, गंगा के पानी से ही करना फिर पूजा, इधर उधर का पानी मत लगाओ, झूठ मत बोलो। वहां तो और भी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो देव के जैसा बन करके और फिर वैसे वो सारी होती, फिर होती है पूजा। पूजा अधूरी रह गई, किसने कहा पूजा पूजा अधूरी रह गई? आपके ये द्रव्य नहीं है तो, मतलब वैसा का वैसा नहीं है तो। ये तो बीस पंथ में कहा जाता है, जो बिल्कुल विषम मार्ग है उसमें कहा जाता है, शुद्ध आमनाय वाला व्यक्ति, जिसको प्रासुक द्रव्य का विचार है, जिसको जीवों के घात अघात का विचार है, वो कभी ये बात नहीं बोलेगा, चाहे किसी पद पे हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे मुनि हो। ध्यान रख लेना ये बात। क्या कहा वहां पे? टेकचंद जी का विधान कर रहे हो ना सभी लोग, जिसका भी कर रहे हो, उस संयम की पूजा में आपने एक लाइन पढ़ी होगी, अग्नि जलावन काज न करे है ना ही बुझावे करुणा धरे। अग्नि का एक जीवों की रक्षा रूप संयम में आई, ये उसका अर्घ है, ये की यही लाइन है। अग्नि जलावन काज न करे ना ही बुझावे करुणा धरे। हम तो ये पढ़ गया है सर, अब कैसे आप, हमको समझ में नहीं आती, आग जलाए बिना पूजा कर ली तो मिथ्या दृष्टि होगी, ये कैसी परिभाषा लेके आए? न कुंद कुंदाचार्य ने ऐसी परिभाषा दी मिथ्यात्व की, न अमृत चंद्राचार्य ने ऐसी परिभाषा दी मिथ्यात्व की, न उमा स्वामी आचार्य ने ऐसी परिभाषा दी मिथ्यात्व की। कौन सा आचार्य ने दी मिथ्यात्व की ऐसी परिभाषा? समन भद्राचार्य ने दी क्या? गुण भद्राचार्य ने दी? किसके? एक आचार्य का तो नाम लो। और झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि कुंद कुंदाचार्य ने ऐसा लिखा है, झूठ बोलते हैं सरासर झूठ। धूप खेलने जाना कोई जरूरी तो है नहीं, हम तो कोई कई जरूरी सालों नहीं से है। नहीं गए। अरे भाई, धूप एक द्रव्य ही तो है, धूप एक द्रव्य है, पूजा का एक द्रव्य, जैसे चावल एक द्रव्य वैसे धूप एक द्रव्य है। तो जैसे आप चावल चढ़ाते हो थाली में, उसी तरह से वो दूसरे भी आप चढ़ाओ, उसमें क्या दिक्कत है? पर ये त्योहार क्या है? ये अपन ये कहाँ से कुछ भी निकला नहीं है है, त्योहार? ये पूरा भट्टारक युग की देन है, भट्टारकों का अच्छा चलाया हुआ है, कुछ भी नहीं आपको कहीं पे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, गारंटी देता हूँ इस बात की, मैंने सारे पुराण पढ़े आचार्यों के लिखे हुए, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। बाद में पुराण पढ़ लेना, आदि पुराण पढ़ लेना, हरिवंश पुराण पढ़ लेना, और कोई आपको नाम ध्यान आता हो आचार्यों का, आचार्यों का 1000-1200 साल पुराना, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 500-600 साल पहले की। समझ में ही बात? ग्रहित मिथ्यात्व है ये, ये रोड तीज हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसे ही इसका नाम जो सुगंध दशमी रख दिया लोगों ने है। अब सोचो तो सही, जो लोग वो रोज एक एक दिन का मानते हैं ना कि आज क्षमा का, आज अपन तो सारे ही दिन सारे ही मानते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में अगर ऐसा भी हो कि आज कौन सा दिन है, फिर संयम का, और संयम के दिन तो सभी प्राणियों की रक्षा का भाव था, है ना? एक और चीज, अगर ये आग में डालने से कर्मों का नाश होता हो तो मैं तो क्विंटल भर के डाल दूंगा अभी यार। अगर उससे नष्ट होता हो, कर्म नष्ट हो जाते हो आग में खेने से, तो इतनी सी क्यों डालो, जरा सी क्यों डालो, कंजूस हो गया? सारे ही कर्म नष्ट करो ना, दुनिया भर की खरीद लाओ डाल दो, फिर एक मोक्ष साथ ही आग लगा सरल दो, हो जाएगा, मोक्ष आसान जाना हो बहुत जाएगा सरल सब हो कुछ। जाएगा, सरल मुझे ये रास्ता हो जाएगा। बताओ, कौन कौन गया आज तक, कहीं ऐसा पढ़ने में आया आपको कि उसने इतनी धूप खाई तो उसके ऐसा ज्ञानावरणी नष्ट हो गया, उसने ऐसी धूप खाई आग में तो उसके दर्शनावरणी नष्ट हो गया, ये उसके उस दूसरे दूसरे कार्य, दूसरे जो कर्म थे वो नष्ट हो गए। अरे आप बोलते हो पूजा में ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, असली आग तो वो जलाओ, ध्यान की अग्नि से कर्म रूपी धूप को नष्ट किया, भस्म किया, ऐसे ऐसे प्रयोग है। तो पुराने जो आचार्य हैं उनका पढ़ो भैया, थोड़ा दिमाग साफ रखो। अच्छा एक और चीज, अगर वो बहुत अच्छी चीज है तो आप वो उसमें ही मुंह करके बैठो ना, उस धुपाने में, वो आग खेरे वहीं पे खड़े रहो, और जो ये उपदेश दे रहे हैं उनके चारों तरफ लगा दो, क्या उनके चारों तरफ की मुनिराज आपकी, भगवान आपकी, ये जोरदार हो जाएगा काम, सारे कर्म अभी नष्ट होते हैं। आपके चारों तरफ हमने धुपाने लगा दिए हैं और इनमें हम धमाधम धूप खेते हैं, अब इस दुर्गंध में, ये दुर्गंध क्या, उनके नजर में तो सुगंध है, उनकी नजर में धर्म है, तो आपको सबसे ज्यादा धर्म होगा। क्या होगा? उस 700 मुनिराज की कल्पना करो, उस धुएं से क्या हुआ था, और आपको लगता है इसमें धर्म है? ये धुआं करने में धर्म है?
पढ़ लेना किससे, वो किसका था, मधु और चंद्रभागा किसका था, काई से मरे थे वो। रात को वो धूपायन लगाए जाते थे सुगंध के लिए, तो धूपायन के धुएं से उनका दम घुट गया और मर गए। ये पुराण का किस्सा है। राजा हाँ, आदिनाथ जी के, उनका भी यही किस्सा है और मधुर चंद्रभागा भी यही किस्सा है। आदिनाथ जी जो वो वज्र जंग के भव में, वज्र जंग और श्रीमती, श्रीमती का जीव जो बाद में श्रेयांश राजा बना, वो पढ़ लेना कैसे मौत हुई थी उनकी। वो धूपायन से रात भर में वो धुआं बढ़ता रहा बढ़ता रहा, खिड़की खोलना भूल गए थे तो वो धुएं में मर गए। अब बोलो इस धुएं से धर्म होता है क्या, इस आग से कैसे धर्म होगा। यहाँ तो हम पढ़ के आए हैं अग्नि जलावन काज न करे, और इसी दिन आग जलानी और इसमें ही खेना है, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है, सरासर झूठ है सरासर। कोई अगर सभा में बोलता हो, ये मेरे सामने जिनवाणी रखी है, इस पर हाथ बोल के, हाथ रख करके बोल रहा हूँ मैं ये बात, और जो प्रमाण देने की बात करता है तो उससे बोलना कि आप ग्रंथ का नाम बताओ और गाथा का नंबर बताओ हमको, हम देखते हैं तलाश करते हैं साहब आपकी बात भी सच ही है। नहीं देंगे, कोरा कह देने से क्या होता है कि शास्त्रों में लिखा है, मैं कह दूं आपसे शास्त्रों में लिखा है, ये इतनी ऊपर से ही पानी पीने से धर्म होता, ऐसा पानी पियो ऊपर से इसमें धर्म हो जाएगा, मैं कह दूंगा लिखा है शास्त्र, कौन से शास्त्र में कहाँ है, कुछ प्रमाण तो दो। है? वो धूप कर्म है क्या, ये बताओ कर्म कैसे नष्ट होंगे। वो जो धूप है वो लकड़ी का चूरा है, बुरादा है, वो कर्म है क्या जो आप उसको खेओगे और कर्म नष्ट हो जाए। थोड़ा विचार करो भाई, जैन धर्म दो चीजों से चलता है, वीतरागता और अहिंसा। जिसमें बहुत हिंसा होती हो वहां तो अग्नि का एक जीव भी मरेंगे, आया समझ में, अग्नि का एक जीव भी मरेंगे, वायु का एक जीव भी मरेंगे, सारे के सारे मरेंगे, उनका मोक्ष होएगा। मोक्ष होएगा माने उनका मरण हो रहा है, तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा। धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है ये, तो क्या करें, अरे चढ़ा दो, यूं ही चढ़ाना है। तो एक और चीज, सूर्यास्त के बाद द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता है, तो कोई ऐसा पक्ष रखे कि शाम को ही करके आएंगे, किस बात के लिए करके आएंगे शाम को, सुबह क्यों नहीं, सुबह मना है क्या, सुबह आप सभी मंदिरों में जाकर के दर्शन करो तो कोई मना है क्या, ये पद्धति जाने कहां से चल पड़ी हम लोगों को। शाम को क्यों जाना है, शाम को तो रोज जाते हैं ना मंदिर, वैसे जाओ द्रव्य लेके मत जाना शाम, समझ में ही बात। सूर्योदय और सूर्यास्त इसका ध्यान रखो, बहुत से लोग सूर्योदय के पहले ही द्रव्य चढ़ाने लग जाते हैं, अंधेरे में, अंधेरा क्या हल्का फुल्का उजाला होता है जिसमें समझते हैं कि हाँ ठीक है अब चढ़ा दें, उसमें द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता, सूर्यास्त के बाद द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता। बल्कि कायदे से तो कई जगह पे ऐसा आता है चर्चा ग्रंथों में कि मध्यान्ह के बाद द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता, आया समझ में, मध्यान्ह के बाद नहीं चढ़ाया जाता द्रव्य, तो फिर आप कैसे जाकर के चढ़ाओगे। आपको विकल्प, आप क्या करने जा रहे हो ये बताओ। धूप खेने में, वहां पे धूप चढ़ाने में धर्म होगा कि जिनके दर्शन कर रहे हो उनके दर्शन करने में होगा, तो वो तो अभी सुबह ही चल जाओ ना, ये कहाँ लिखा रहा है कि शाम को ही जाना। तो दर्शन तो करेंगे नहीं, उनको बस कोरा वो धूप धूप चढ़ाने का उल्लास है और कुछ नहीं है, जुलूस का उल्लास है या साथ साथ जाने का, घूमने का उल्लास। अरे आज तो धूप दशमी, चलो हम छोटे थे जो हमको भी बहुत वो रहता था, पूरा समाज जाता था और उसके आगे आगे दौड़ दौड़ के हम पहले पहुंच जाते, हम पहले चल जाएंगे, हम पहले दर्शन कर। अरे भैया सुबह ही कर लेना, सुबह कोई मना है क्या, शाम का क्या विकल्प है। जिसको शाम का पक्ष है दिमाग में, उसके कुछ ना कुछ गड़बड़ भरी हुई है, वो ये सोचता है कि शाम को ये विशेष धर्म होगा। ध्यान रखना, शाम को मंदिर जाने की मना नहीं कर रहा हूं मैं, ये आज विशेष दिन पर शाम को फेरी लगाना सब जगह और धूप चढ़ा करके आना, अगर ऐसा दिमाग में भरा हुआ है तो गड़बड़। रोज ही जाओ ना सभी आप मंदिर। अभी जाओ ना, अभी क्या समस्या है, अभी द्रव्य चढ़ाओ, आप चावल चढ़ाओ या पुष्प चढ़ाओ, जो भी मतलब जो अपने अष्ट द्रव्य है प्रासुक द्रव्य, उनमें से जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ, कोई मना थोड़ी ना। प्रासुक होना चाहिए द्रव्य, निर्जंतुक होना चाहिए, अहिंसा पूर्वक कार्य होना चाहिए, इतना विवेक रखना, बाकी सारी बातें फालतू। समझ में आ रही है बात, किसी ने भी कही हो, कोई चंजी बोले, परवाह मत करना। धर्म दो के आधार से चलता, अहिंसा और वीतराग, और ये जो कार्य है इसमें हिंसा भी है और राग द्वेष भी भयंकर बढ़ता है। कि राग द्वेष कैसे बढ़ते हैं, वहां खड़े होके देखो ना आकुलता होती है कि नहीं होती है, वहां जो धुआं निकलता है वहां पे राग द्वेष होगा कि नहीं, वो सारा धुआं आप मंदिर को गंदा करते हो उस धुएं से, वो जो धुआं चलेगा वो धुएं के बाद सारी दीवारें काली होंगी, समझ में आ रही है बात। उसमें जीव मरेंगे, कर्मों का नाश नहीं होगा, जीवों का नाश जरूर होगा।
ना। और कौन सा आप शोध करके ले जा रहे हो, बाजार में बने हुए पैकेट लेके आते हो और उसके अंदर वो द्रव, पता नहीं कितने जीव हैं क्या हैं, वो सब बेचारे उसके उसमें भस्म हो गए। इसकी हिंसा का दोष किसको है? ये विचार करना। अच्छा, और मक्खी मच्छर वगैरह जो चार इंद्रिय जीव हैं, ये तो मरते ही मरते हैं बेचारे कभी बारिश में, उससे। वैसे आप कभी भी जलाओ मरेंगे ही सही, वो उससे बारिश में जीवों की पत्ती भी बहुत ज्यादा होती ये है। ओला उट वगैरह जलाते हो, क्या होता है इससे? वो कछुआ छाप जलाते थे लोग बाग पहले, या और कुछ नहीं करे, देशी उपाय करे तो वो नीम के डंठल वगैरह ला करके पत्ते ला करके जला देते हैं। क्या होता है उनसे, मरते हैं कि नहीं मरते हैं? सारे मरते हैं, पीड़ित होते हैं, मरे नहीं तो भागते हैं, पीड़ा पाते हैं, दुख पाते हैं। और आप धर्म क्या दूसरों को दुखी करने के लिए करते हो? इसलिए विचार करना भी है ना। कोई हो सकते हैं जिनको ये बात कम समझ में आए या कुछ ऐसा हुआ हो, तो विचार करना अच्छे से।